हाय व्यूअर्स, वेलकम टू डेजीज किचन। आज का रेसिपी है उत्तपम। इसे मट्ठी में सूजी को रात भर आपको भिगो के रखना होगा। वेजिटेबल्स मतलब सब्ज़ी आप अपने मन पसंद के ले सकते हैं। मैंने लिया खीरा, गाजर, टमाटर, हरी मिर्च। उसे मैंने बारीकी में इस तरह से काटा और प्याज भी मैंने लिया। सभी वेजिटेबल्स को, सब्जियों को आपको इस मट्ठे के मिक्सचर में डालना होगा। अब अपने मनपसंद के सब्ज़ी भी ले सकते हैं, जैसा शिमला मिर्च, बीन्स। जितना वेजिटेबल्स होता है उतना ही टेस्टी बनता है। तो मेरे पास थे नहीं, ये सभी थे तो मैंने ये सब से ही बनाया। नमक आप अपने हिसाब से डालिएगा, नमक आप कितना लेते हैं, कम या ज़्यादा। लाल मिर्च पाउडर ऑप्शनल है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है डालने के लिए। उसके बाद सारे चीज़ों को आप अच्छी तरह से ऊपर नीचे करके उसे मिक्स कीजिएगा। ये मट्ठे आप जितना देर सूजी के साथ सोख करके रखेंगे उतना ही अच्छा बन के तैयार होते हैं। जब मिक्स होना हो जाए तो आप प्याज, जो कटे हुए प्याज को, उसे भी आप ऐड कर दीजिएगा इसमें। प्याज आपको नहीं लेना है तो आप मत डालिएगा। उसके बाद आप तवा लीजिएगा या नॉनस्टिक पैन, कुछ भी। थोड़ा सा तेल डाल के, जब तेल गर्म हो जाए तो आपका मिक्सचर को इस तरह से आप स्प्रेड कर लीजिएगा। आपको पतला बनाना है, आप इसे पतला भी बना सकते हैं, लेकिन इस तरह हम लोग घर पे बनाते हैं। उसके बाद साइडों में आप तेल लगा लीजिएगा कि जब आप पलटे तो आसानी से पलट जाए। धीरे धीरे करके आप इसे पलट दीजिएगा। देखिए कितना बढ़िया बन के तैयार हो गया है। फिर आप पलटने के बाद फिर दूसरे साइड में भी आप तेल लगा लीजिएगा। इस तरह से आपको सारे उत्तपम को बनाना है। इसे आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सभी, कोई कोई ये पसंद बहुत ही आएगा, बच्चे बड़े। ये बहुत ही अच्छा रेसिपी है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और झटपट बन के तैयार हो जाता है। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसा लगा। इसे आप धनिया पत्ता का चटनी या टमाटर का चटनी किसी में भी आप बना के इसे खा सकते हैं। जब देखिए, जब तेल अच्छा से गर्म नहीं होता तो ये बराबर पलटता नहीं। तो बहुत ही टाइम लगा मुझे ये सेकंड वाला करने के लिए, लेकिन आप तेल अच्छा से लगाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।